नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में अब घर घर जाकर वोटरों का होगा सत्यापन। हर्ष फायरिंग पर बिहार पुलिस की सख्ती। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इस दिन तक करें रजिस्ट्रेशन। पैक्स में ऑनलाइन सदस्यता के लिए आम सूचना। आज से इन नियमों में हो सकते हैं बदलाव। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में 4064 PGT व अन्य पदों की आवेदन प्रक्रिया शुरू। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के संस्थान राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा देश भर में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 4064 PGT प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन में योग्यता से जुड़ी डिटेल्स चेक कर ले। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। आज से इन नियमों में हो सकते हैं बदलाव। जून का महीना खत्म हो चुका है और आज जुलाई की पहली तारीख है। ऐसे में आज कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ने की संभावना जताई गई है। बता दें कि आज यानी कि 1 जुलाई से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बदलाव दिख सकता है। इसके साथ ही CNG, PNG और ATF की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा आज से देश भर में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू करने का ऐलान किया गया था, जिससे कि अब देश भर में खराब क्वालिटी के जूते चप्पलों पर पाबंदी लग जाएगी। 1 जुलाई के तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव बैंकिंग सेक्टर में होने जा रहा है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के साथ फाइनेंस कंपनी HDFC LTD का मर्ज हो जाएगा। विलय के बाद बैंक की सभी ब्रांच में HDFC लिमिटेड की सेवाएं मिलने लगेंगी। आज से RBI के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड पर दिए जाने वाले ब्याज को बढ़ाकर 7.35% से 8.05% किया जा सकता है। इसके साथ ही RBI की ओर से जारी किए गए बैंक हॉलीडे की लिस्ट के अनुसार इस महीने देश भर के अलग अलग राज्यों में विभिन्न आयोजनों या पर्वों के चलते कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। आज से क्रेडिट कार्ड से 7 लाख या उससे ज्यादा खर्च करने पर 20% TCS शुल्क लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आज से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। बिहार में CDPO और कार्यपालक पदाधिकारी का हुआ तबादला। बीते दिन समाज कल्याण विभाग के तरफ से अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बीते दिन 140 से अधिक CDPO का तबादला कर दिया गया है, जिनमें शोभा रानी, रूबी कुमारी, कुमारी पूनम, निर्मला दास, अमर ज्योति समेत कई नाम शामिल हैं। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग के बाद पंचायती राज विभाग के द्वारा भी बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया गया है। बता दें कि पंचायती राज विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के कुल 45 लोगों का तबादला किया गया है, जिनमें रंजीत कुमार, कृष्ण नारायण प्रसाद, विजय कुमार, हेमंत कुमार सिंह समेत कई नाम शामिल हैं। अब घंटों में होगी असली और नकली शराब की पहचान। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन अवैध शराब से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में इसको लेकर कठोर सजा का भी प्रावधान लागू है और पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और शराब जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन जब्ती के बाद उससे सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि शराब असली है या नकली, और इसकी जांच करवाने के बाद रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ऐसे में अब नीतीश सरकार की ओर से इस समस्या को हल करने के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोला जाएगा, जहां शराब की जांच करने पर 3 से 4 घंटे में रिपोर्ट जारी हो जाएगी, जिससे कि मामले के निपटारे में भी तेजी आएगी। मालूम हो कि रसायन परीक्षण केंद्र सहरसा में खोला जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से भागलपुर और पूर्णिया में भी परीक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अब्दुल कयूम अंसारी के बारे में। अब्दुल कयूम अंसारी का जन्म आज ही के दिन 1905 में हुआ था। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार थे। वह राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण की मुस्लिम लीग की मांग के खिलाफ काम किया। श्री अंसारी ने अखिल भारतीय मोमिन सम्मेलन के माध्यम से जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके वे अध्यक्ष थे। उन्होंने उन छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान के जवाब में सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया था।
इसके लिए उन्हें 16 साल की छोटी उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया क्योंकि यह असहयोग और खिलाफत आंदोलनों में भागीदारी थी। अब्दुल कयूम अंसारी एक कुशल पत्रकार, लेखक और कवि भी थे। वह स्वतंत्रता पूर्व दिनों में उर्दू साप्ताहिक अल इस्लाह, द रिफॉर्म और एक उर्दू मासिक मुसावत समानता के संपादक थे। 1 जुलाई 2005 को भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। बिहार में अब घर घर जाकर वोटरों का होगा सत्यापन। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के सत्यापन का काम 21 जुलाई से आरंभ होगा। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद बूथ लेवल ऑफिसर राज्य के हर घर में जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। ऐसे में सत्यापन के दौरान अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई हो या किसी मतदाता ने अपना पता बदल लिया हो तो वैसे मतदाता का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। हालांकि इससे पहले दावा आपत्तियों का निष्पादन 26 दिसंबर तक किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोग द्वारा आधार में मतदाता सूची के रिवीजन के पहले चरण का काम शुरू कर दिया गया है जो कि 20 जुलाई तक चलेगा। वहीं दूसरे चरण में 21 जुलाई से मतदाता का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा जो कि 1 माह तक चलेगा। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इस दिन तक करें रजिस्ट्रेशन। राज्य के शिक्षण संस्थानों में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के लिए बिहार बोर्ड की ओर से एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। दरअसल वर्ष 2025 के मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित कर दी गई है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छात्र अपना रजिस्ट्रेशन 14 जुलाई तक कर सकते हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बीते दिन यानी कि 30 जून से शुरू हुई है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए छात्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसे में अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में एवं शुल्क जमा करने में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 0612223274 पर संपर्क कर सकते हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए अपनाएं ये तरीका। एक तरफ जहां बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दिया है तो वहीं दूसरी ओर अब डेंगू ने भी दस्तक दे दिया है। ऐसे में आईपीआरडी बिहार के द्वारा एक पोस्ट शेयर की गई है जिसमें बताया गया है कि डेंगू को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। बता दें कि शेयर किए गए पोस्ट में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया है कि डेंगू को फैलने से रोके और इसके रोकथाम के लिए बदन को ढककर रखे, फॉगिंग करे और मच्छरदानी का प्रयोग करे, घर के अंदर पानी न जमा होने दे, बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाए, खिड़की दरवाजे में मच्छर जाली लगवाएं और घर के आसपास पानी न जमा होने दें। इसके साथ इस पोस्ट में यह भी बताया गया है कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और यह दिन में काटता है। वहीं इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। जीवन रक्षक पदक के लिए आमजन व सशस्त्र पुलिस बल से केंद्र ने मांगे आवेदन। केंद्र सरकार की ओर से बिहार सरकार से 30 सितंबर तक जीवन रक्षक पदक के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में केंद्र की ओर से इस संबंध में पत्र मिलने के बाद कैबिनेट के संयुक्त सचिव के द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2023 के लिए जीवन रक्षक पदक के लिए 30 सितंबर के बाद भेजे गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पदक के लिए 3 श्रेणियां हैं जिसमें सबसे पहला सर्वोत्तम जीवन रक्षक रक्षा पदक, दूसरा उत्तम जीवन रक्षा पदक और तीसरा जीवन रक्षा पदक है। मालूम हो कि इस पदक के लिए आमजन के साथ साथ सशस्त्र पुलिस बल और अग्निशमन सेवा के सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं। यह पुरस्कार पानी में डूबने, दुर्घटनाओं, आग लगी, बिजली करंट जैसी घटनाओं में बचाव कार्य के लिए बहादुर लोगों को दिया जाता है। महादलित परिवार के युवक युवती पाए निःशुल्क व रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षण। आईपीआरडी बिहार की ओर से पोस्ट जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत महादलित परिवार के युवक युवतियों को निःशुल्क व रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कौशल प्रशिक्षण हेतु महादलित परिवार के युवक युवतियों का चयन कर संस्थान द्वारा कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर नामांकन किया जाता है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए https://bmvm.bihar.gov.in पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। मालूम हो कि योजना महादलित परिवार के युवक युवतियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे लौरिया नंदनगढ़ के बारे में। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण जिले का एक छोटा सा शहर है जो कि इतिहास के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। इस शहर का मुख्य आकर्षण खुदाई के दौरान मिला अशोक स्तंभ है जो मौर्य काल के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ की ऊंचाई 32 फीट है जिसके निर्माण हेतु बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही स्तंभ के शीर्ष पर एक गोलाकार अभिकर्ष है जिस पर सिंह की मूर्ति खड़ी है। अशोक स्तंभ से 2 किलोमीटर की दूरी पर इसकी दक्षिण
पश्चिम दिशा में एक किला स्थित है जिसे नंदनगढ़ कहा जाता है, जो कि एक विशाल स्तूप का अवशेष है। लौरिया नंदनगढ़ एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और इसे देखना जरूर जाना चाहिए। पैक्स में ऑनलाइन सदस्यता के लिए आम सूचना। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के द्वारा पैक्स में ऑनलाइन सदस्यता के लिए आम सूचना जारी की गई है, जिसके तहत यह बताया गया है कि पैक्स में ऑनलाइन सदस्यता हेतु विभागीय वेबसाइट www.cooperative.bih.nic पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पैक्स के द्वारा आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर सदस्यता आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं अगर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो इसकी सूचना SMS के माध्यम से दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर 15 दिनों में आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो आवेदक डिम सदस्य मान लिया जाएगा और इस स्थिति में आवेदक को सदस्यता शुल्क 1 रूपए और शेयर की राशि 10 रूपए यानी कि कुल 11 रूपए पैक्स के पास अथवा संबंधित सहकारी बैंक की शाखा में जमा कर पावती प्राप्त करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 जुलाई 2023 से सहकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं 5 जुलाई को सभी संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों द्वारा प्रखंड में सभी पैक्स अध्यक्षों प्रबंधकों के साथ बैठक एवं जागरूकता अभियान, 6 जुलाई से 8 जुलाई तक सभी पैक्सों द्वारा पैक्स के राजस्व ग्रामों में आम लोगों के बीच लगातार जागरूकता सह प्रचार प्रसार कार्यक्रम और 9 जुलाई से 14 अगस्त तक पैक्सों द्वारा पैक्स सदस्यता के संबंध में आम जागरूकता हेतु प्रचार माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए 1800-1800-110 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार के विश्वविद्यालयों में आया नया सिलेबस। राजभवन की ओर से विश्वविद्यालयों को भेजे गए नए 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में कई और नई चीजें शामिल की गई है, जिसमें बिहार के विश्वविद्यालयों में अब छात्रों को वेद पुराण, भारतवर्ष की अवधारणा और वसुधैव कुटुम्बकम का पाठ पढ़ाया जाएगा। बता दें कि राजभवन की ओर से फिलहाल 2 सेमेस्टर का सिलेबस जारी किया गया है, जिसे सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है। मालूम हो कि राजभवन की ओर से जारी किए गए सिलेबस में इतिहास के छात्रों के लिए टाइम और स्पेस की भारतीय अवधारणा, ब्राह्मी, खरोष्ठी, पाली और अवहट लिपि का विकास, भारतीय भाषाओं और बोलियों का विकास जैसे विषय में पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा राजनीति विज्ञान में छात्रों को वैश्विक राजनीति के बारे में पढ़ाया जाएगा। हिंदी में छात्रों को लोक साहित्य और प्रायोजन मूलक हिंदी पढ़ाई जाएगी। दर्शन शास्त्र में समकालीन भारतीय दर्शन के बारे में अध्याय होंगे। बिहार में बन रहा देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल। बिहार की राजधानी पटना के राजवंशी नगर में स्थित LNJP हड्डी अस्पताल में 400 बेड के अस्पताल के अलावा व एक स्पाइन अस्पताल का निर्माण कार्य तीसरी बार में इसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इसके निर्माण कार्य पर कुल 215 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मालूम हो कि इस कार्य का पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एजेंसी को 2 साल का समय दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके निर्माण को लेकर इससे पहले 2 और टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन गड़बड़ियों के कारण दोनों बार टेंडर को BMICL को रद्द कर दिया गया था। मालूम हो कि जानकारों के अनुसार राज्य का यह पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी और स्पाइन का अस्पताल होगा। हर्ष फायरिंग पर बिहार पुलिस की सख्ती। बीते दिन शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ADG विधि व्यवस्था संजय सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य में हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाया जा सके इसके लिए अब सार्वजनिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों की सूचना स्थानीय थानों को देनी होगी और इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए सूचना पत्र को भी भरना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में एक नई SOP लागू की गई है। इसके साथ ही उन्होंने थानों को निर्देश देते हुए कहा कि वह मैरिज हॉल की सूची बनाकर वहां CCTV लगवाने का काम करे और यह भी जांच करे कि CCTV कार्यरत है या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर्ष फायरिंग होने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी थानों को अग्निशस्त्र अग्निपति धारकों के निर्गत लाइसेंस का रेगुलर जांच करने का निर्देश दिया गया है। पंचायत कार्यों के लिए इस दिन से डिजिटल भुगतान अनिवार्य। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बाद देश भर की सभी पंचायतों के द्वारा विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान करना होगा और साथ ही उन्हें UPI के जरिए भी पेमेंट करना होगा। बता दें कि इस संबंध में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि इस बारे में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि भारत सरकार की ओर से देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल मोड में लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में की जाएगी कि पंचायतों में डिजिटल भुगतान शुरू हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अगर यह व्यवस्था सभी पंचायतों में लागू हो जाता है तो डिजिटल भुगतान का आंकड़ा काफी ऊपर पहुंच जाएगा। MBA मखाना वाला को आया G20 शिखर सम्मेलन से बुलावा।
3 और 4 जुलाई को उड़ाना कन्वेंशन गुरुग्राम में 34 देशों के प्रतिनिधियों के होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले श्रवण कुमार राय या MBA मखानावाला के नाम से मशहूर को आमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि उन्हें यह आमंत्रण बीते दिन शुक्रवार को जीमेल के माध्यम से दिया गया है। बता दें कि इससे पहले हाल ही में उन्हें दरभंगा एयरपोर्ट पर मखाना सेंटर खोलने की अनुमति दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रवण कुमार राय के द्वारा अपने इस स्टार्टअप की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी और अब वह इस कंपनी के जरिए न केवल अपना मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि काफी लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। वहीं अब वह बहुत जल्द ही MBA मखानावाला के नाम से फूड चेन खोलने की तैयारी कर रहे हैं। 5 जुलाई तक राज्य में होगी बारिश। बिहार मॉनसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार में बदले मौसम की वजह से अब राज्य के कई जिलों के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि IMD बिहार के द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 1 जुलाई को राज्य के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया और सीतामढ़ी जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अगर कल यानी कि 2 जुलाई के मौसम की बात करें तो IMD बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार इस तरह के हालात राज्य में 5 जुलाई तक बने रहने की संभावना जताई गई है। बिहार की मनीषा रानी के लिए पावर स्टार पवन सिंह ने कहा ये। बिग बॉस OTT सीजन 2 में बिहार की मनीषा रानी की बिहारी बोली और मजाकिया अंदाज को लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही ऑडियंस को उनके और जद हदीद की लव स्टोरी भी काफी पसंद आ रही है। वहीं अब मनीषा रानी को लेकर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के द्वारा भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर अपनी बातें कही गई है। उन्होंने कहा कि आज आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध बा, हमारे बिहार की बेटी जो बिग बॉस के घर में गई है जिसका नाम है मनीषा रानी, अपने भोजपुरी समाज से, भोजपुरी संसार से, भोजपुरी परिवार से सबसे निवेदन बा कि आप सब वो का इतना प्यार दी जाए, इतना दुलार दी जाए, इतना सपोर्ट की जाए कि हमारे बिहार की बेटी मनीषा बिग बॉस के घर में जीत कराए। बिहार प्रशासनिक सेवा के 34 अधिकारी महीना भर के लिए हुए प्रतिनियुक्त। श्रावणी मेला को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के 34 अधिकारियों को महीने भर के लिए प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, जिसमें प्रभाकर कुमार, अमरेंद्र कुमार, पंकज, धर्मेंद्र कुमार, अनिकेत कुमार, संतोष कुमार, मनीष कुमार झा, चंद्र किशोर सिंह, रंजीत कुमार रंजन, सोमनाथ सिंह, सुजय कुमार सिंह, शशि कुमार, रवि प्रकाश, संजय कुमार, अखिलेश कुमार समेत कुल 34 अधिकारी शामिल है। बता दें कि व्यवस्था कांवड़िया श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने, विधि व्यवस्था, संधारण तथा नियंत्रण कक्ष के संचालन को लेकर की गई है। मालूम हो कि बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और नवादा में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भागलपुर एवं बांका समाहरणालय में की गई है। समान नागरिक संहिता पर सुशील मोदी का बयान। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC को लेकर 3 जुलाई को एक बैठक बुलाई गई है जिसमें 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे। इसी को लेकर बीते दिन सुशील मोदी के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कल्चरल डाइवर्सिटी का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शाहबानों के मामले या सरला मुद्गल मामले जैसे आधे दर्जन से ज्यादा मामलों में जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। कल्चरल डाइवर्सिटी है तो उसके बावजूद क्रिमिनल लॉ एक है ना। हत्या के मामले में हिंदू मुस्लिम ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है, वैसे ही एक पुरुष की एक पत्नी होनी चाहिए, इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है कि सभी नागरिक के लिए समान कानून हो। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज सेना के बीच पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में हुआ। 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त सर बर्ट लेफ्रो द्वारा सिर्फ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक डाक टिकट जारी किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1862 में हुआ। भारत में 1879 को पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में राष्ट्रीयकरण कर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय विकास के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की घोषणा की। देश की पहली साइंस सिटी 1997 को कोलकाता में स्थापित की गई। भारत में 2017 को अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1842 में हुआ। इस दिन को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जन्म 1927 में हुआ। भारतीय अमेरिकी
अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला का जन्म 1961 में हुआ। आज के दिन को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन स्मृति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। व्हाट्सएप डेस्कटॉप यूजर्स के लिए कर रहा है इस अपडेट पर काम। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर नए फीचर्स का परीक्षण करता रहता है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि विंडोज पर व्हाट्सएप को बीटा में स्टिकर के लिए कुछ सुधार मिल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि कुछ बीटा यूजर्स ने व्हाट्सएप के विंडोज वेरियंट पर स्टिकर में यह नया बदलाव देखना शुरू कर दिया है। स्टिकर अब पहले की तुलना में काफी बड़े हो गए हैं। विंडोज के लिए व्हाट्सएप बीटा का नवीनतम वेरियंट स्थापित करने के बाद नया परिवर्तन बीटा टेस्टरों को दिखाई देगा। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि स्टिकर के लिए एक डिजाइन अपडेट है और यूजर्स को स्टिकर के आकार को बड़ा करने के लिए सेटिंग से कुछ भी सक्षम करने की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है और वर्तमान में केवल बीटा टेस्टरों के चुनिंदा समूह के लिए उपलब्ध है। बीसीसीआई बनाएगी रिटायर खिलाड़ियों के लिए खास प्लान। भारतीय टीम से रिटायर हो चुके खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई की ओर से एक खास प्लान बनाया जाएगा, जिस पर फैसला 7 जुलाई को होने वाले एपेक्स काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। बता दें, क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार रिटायर हो चुके खिलाड़ी जो विभिन्न लीगों में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें कूलिंग पीरियड से गुजरना होगा। गौरतलब हो कि पूर्व खिलाड़ियों को T20 लीग में भाग लेने के लिए बड़ी कीमत की पेशकश की गई थी और बीसीसीआई की राय थी कि इससे भविष्य में समस्या हो सकती है। दुनिया भर में T20 लीगों के बेहतर बढ़ने के साथ अगर रिटायर्ड खिलाड़ियों को उनकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद लीग में शामिल किया जाता है तो यह बीसीसीआई के लिए काफी दुविधापूर्ण साबित हो सकता है। मालूम हो कि 7 जुलाई को होने वाली बैठक में बीसीसीआई की ओर से एशियाई खेलों सहित कई अन्य मुद्दों पर भी निर्णय लिया जाएगा। वेलकम, आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसे में आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने नागरिकों को कुछ दिनों के लिए कोल्ड ड्रिंक से परहेज करने की सलाह दी है क्योंकि वे इबोला वायरस से दूषित हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि मैसेज फर्जी है। MOHFW इंडिया ने ऐसी कोई सलाह जारी नहीं की है। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है चंद्रभूषण सहाय, रामनवी मांझी, कुमारी संजना, उमेश ऋषदेव, शुभम राज, आरती कुमारी, रंजीत मिश्रा, विक्रम कुमार, अनुगोलू कुमार, राजीव कुमार, कुश कुमार यादव, कबीर आलम, प्रिया कुमारी, प्रियंका कुमारी, मृत्युंजय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पिछले कुछ दिनों से हुए बारिश में आपके क्षेत्र में जल जमाव की क्या स्थिति है? आप जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर फेसबुक से देखें तो इसको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।